तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो आज का वीडियो में मैं अपने बाइक में जो एग्जॉस्ट लगाया हूँ उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैंने जब लगाया था उसका सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना के छोड़ा था, तो मीन्स अनकम्प्लीट दिखाया था, ज़्यादा दिखाया नहीं था। उसकी वजह से मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि कैसे लगाए, मतलब माइलेज कितना और कैसे, मतलब इंजन डैमेज है कि नहीं और कहाँ से ख़रीदे। तो मैं इस वीडियो में सब बताऊँगा। तो ये वीडियो डिटेलिंग के ऊपर होने वाला है, तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं, मतलब मुझसे जितना हो पाया और मैंने जो जो किया है पूरा ए टू जेड बताऊँगा। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। तो आप लोगों को अभी दिखाते हैं कौन सा एग्जॉस्ट लगाया हूँ और कैसे क्या प्रोसेस है। तो चलिए आगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर है मेरा बाइक। मतलब मैं अभी बाहर जाके शूट नहीं कर रहा हूँ, मतलब घर के ये बाहर का एरिया है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँगा कैसे। तो ये रहा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट के साथ जो भाई लुक आ रहा है ना, एक नंबर पूरा। आप देख लीजिए पूरा पहले। तो चलिए आप लोगों को अब दिखाते हैं मैंने कौन सा एग्जॉस्ट लगाया है। तो अभी देखिए, ये है वो एग्जॉस्ट, योशिमोरा। तो देख लिया, योशिमोरा है, योशिमोरा अल्फ़ा है। और मैंने ऐसे फिट किया है यहाँ पे ये पत्ती लगा के, और नीचे से है वो रहे, देख रहे हैं। तो पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मीन्स मैं एग्जॉस्ट कैसे फिट करा अपने बाइक में, और एग्जॉस्ट के अंदर क्या क्या डलवाया हो एक्स्ट्रा से, वो सब मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद मेरे बाइक में मीन्स पावर इनक्रीज़ या डिक्रीज़ या क्या भी हुआ है वो बताएंगे। तो पहले आप लोगों को फिटिंग प्रोसेस दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ये जो आप बेंड पाइप देख रहे हैं, ये बेंड पाइप में एक्स्ट्रा से मीन्स मैं क्या बताऊँ, अलग बेंड पाइप नहीं, ये NH 200 का ही बेंड पाइप है। तो इसके लिए मुझे कोई अलग से बेंड पाइप बनाना नहीं पड़ा, या NS 125 के लिए अलग से बेंड पाइप खरीदना नहीं पड़ा। NH 200 का ईजिली फिट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देख रहे हैं यहाँ फिटिंग ईज़िली फिट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इधर एक प्रॉब्लम है कि देखिए थोड़ा ये ब्रेक में प्रॉब्लम देता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या आप अगर ठीक से फिट कराएंगे ना तो ये भी आपको प्रॉब्लम ना दे। तो मुझे तो ये थोड़ा ब्रेकिंग में प्रॉब्लम दे रहा है, और इसके अंदर देख रहा है ये वेल्डिंग क्या है, इधर एक वेल्डिंग है और यहाँ में देख सकेंगे और एक वेल्डिंग है। तो मैंने दोनों जगह में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया, दो को यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, देख रहे हैं इधर भी वेल्डिंग क्या है। तो दो जॉइंट में मैंने लगाया है एक्स्ट्रा से, वो बेंड पाइप में पहले से नहीं था। तो अगर आप शायद होल से देख पाए, यहाँ से ना दिख नहीं पाएंगे, पूरा ये हो क्या डार्क हो क्या, तो उसके वजह से मुझे मीन्स कोई इंजन डैमेज नहीं मिलेगा, मीन्स इंजन का कोई भी मतलब क्या बोले, मतलब कुछ भी नहीं होगा, जैसा आपका स्टॉक में रहता है वैसा ही चलेगा। तो आप लोगों ने देखा, और कुछ बंदे मुझे पूछ भी रहे थे कि मीन्स ये एग्जॉस्ट जो लगाए हो, तो ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद जो NH 200 जैसा साउंड होता है कि नहीं। तो मैं बता दूँ भाई, देखो इंजन 125 cc है, तो 200 का पावर ज़्यादा है और 125 का पावर थोड़ा कम है, तो साउंड में भी कुछ वैसा ही है। NS 200 में मीन्स साउंड थोड़ा ज़्यादा लाउड होता है, इसमें थोड़ा लाउड कम है, लेकिन क्या बताओ, वो आप किसी के पास से जाओगे ना, वो कान में दर्द नहीं करता, मीन्स अपना परमानेंट इसको लगा के रख सकते हो, ऐसा साउंड आता है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप समझ गए होंगे शायद, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो और आपको दिखाते हैं, मतलब अब बोलते हैं आप लोगों को आगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब एग्जॉस्ट लगाने के बाद मेरे बाइक में क्या क्या चेंज हुआ है। तो पहला है कि जो पावर है मीन्स टॉर्क पावर इनिशियल, वो पहले से बढ़ चुका है, ठीक है। अभी बाइक खींचने में और मतलब चलाने में अच्छा लगता है, और मतलब बहुत जल्दी 100 पहुंच जाता है, पहले जैसा टाइम लगाता नहीं है। स्टॉक में ना मीन्स क्या होता था कि ज़्यादा खींचते थे ना बाइक, और हीट हो जाता था, तो उसके बाद ना मीन्स साउंड ख़राब हो जाता था स्टॉक एग्जॉस्ट का, तो वो सुनने में बहुत ही बेकार लगता था। तो वो एक प्रॉब्लम था एक स्टॉक में, और एग्जॉस्ट लगाने बाद पावर बढ़ गया। स्टॉक में क्या होता था कि व्हीली भी अच्छे से नहीं होता था,
मतलब व्हीली करते थे ना ज़्यादा, मीन्स आगे कर व्हील, आगे का व्हील चारता नहीं था। तो वो एग्जॉस्ट मीन्स एग्जॉस्ट फिक्स करने के बाद अभी व्हीली भी एकदम एक नंबर होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी पावर आ चुका है, थोड़ा बहुत पहले से बहुत ज़्यादा। और चलाने में तो अभी एग्जॉस्ट से वो तो पता ही आप लोगों को, खींचने में जो मज़ा आता है वो तो है। और उसके बाद माइलेज, माइलेज मेरा अभी दे रहा है, मैंने मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है, तो कम 45 प्लस है। तो मैं माइलेज के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें माइलेज टेस्ट करूंगा, मतलब एग्जॉस्ट के साथ कि माइलेज कितना दे रहा है, तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बाइक कितना माइलेज दे रहा है। और उसके बाद सही है सब कुछ और दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन और एक बात कि आपको एग्जॉस्ट लाओगे अगर परमानेंट रखोगे ना, तो आपको यही करना पड़ेगा, मीन्स जो इंजन ऑयल होता है वो आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट लगाने से ना इंजन ऑयल थोड़ा मीन्स थोड़ा मतलब ज़्यादा काला होता है, ज़्यादा जलता है, ठीक है, तो वो आपको मीन्स मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, जैसे NS 200 या NS 160 में, मतलब जो भाई लोग आप लोग मीन्स NS 160 या 200 है, तो वो लोग अगर एग्जॉस्ट लगाएं तो उन लोगों को पता होगा कि उसमें इजीली एग्जॉस्ट लगता है, मतलब इजीली एग्जॉस्ट खुलता है और इजीली एग्जॉस्ट मतलब इंस्टॉल होता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। मैंने पहले एक बार लगाया था और बीच में फिर खोला था, तो मुझे तब पता चला कि मतलब प्रॉब्लम हुआ था मुझे, कि वो जो स्टॉक एग्जॉस्ट है ना वो निकलता नहीं है, मुझे पूरा वहाँ से नट खोलना पड़ता है। आपको दिखाते हैं कहाँ से, आपको पूरा यहाँ से ये वाला नट खोल के, ये वाला नट खोल के ये आगे की तरफ लाना पड़ेगा थोड़ा, फिर जाके वो स्टॉक एग्जॉस्ट निकलता है, तो उसमें उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप इसको मीन्स वैसा नहीं कर पाओगे, मीन्स जब मन तब खोल दिए, जब मन तब लगा दिए, ऐसा इसमें नहीं होगा। अगर लगाए हो तो कम से कम रहने देना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए लगाओ, और नहीं लगा रहे हो तो शॉर्ट टाइम के लिए मत लगाओ, तो वैसा ही। तो आपको ये जी सब मेंटेन करके करना पड़ेगा। तो इस बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब आप लोगों को जितना हो पाया मुझे जो जो अपने बाइक में लगा है, तो मैं आप लोगों को सब एक्सप्लेन कर दिया। और अभी मैं बताता हूँ कि मैंने एग्जॉस्ट ख़रीदा कहाँ से। तो मैंने एग्जॉस्ट ख़रीदा है, मैंने ऑफलाइन ख़रीदा है, हम लोग के बंगाल में यहाँ पर एक जगह है कोलकाता, वहाँ से मैंने परचेस किया। लेकिन ये एग्जॉस्ट ऑनलाइन में भी मतलब है, अवेलेबल है, आपका मिल जाएगा अमेजोन में। मैं तो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर जिसको जिसको लेना वो चेक कर लेना। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ मीन्स मेरा कितना खर्चा गिरा था टोटल, मतलब सब कुछ मिला के। तो रुको आपको दिखाते हैं। तो जो एग्जॉस्ट देख रहा है ये, सिर्फ ये, इस यहाँ से इतना तक सिर्फ एग्जॉस्ट, इसका दाम है मीन्स 6,500। तो मैंने जब ख़रीदा था 6,500 थे, तो अभी 6,000 हो चुका है। और बेंड पाइप का वो 2500 कुछ ऐसा था, ठीक है। और कैटालिटिक कन्वर्टर वो सब था तो आपका 1200 करके, 1200 या 1300 करके, तो दो मैंने लगाए थे एक्स्ट्रा ख़रीद के, वो तो करीब धर लीजिए 9-10 हज़ार कुछ ऐसा गिर गया था। तो अगर आप ज़्यादा कॉस्टली लगाओगे ना, तो क्या होगा कि आपका इंजन डैमेज नहीं होगा। अगर आप लगाओगे एसी प्रोजेक्ट या एक्रा पोबिक, तो उसमें आपका इंजन डैमेज होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा डिटेलिंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मतलब बताइए मुझे कमेंट करके कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। तो मुझसे जितना हो पाया मैंने कर दिया। तो अगर आप लोगों को ये डिटेलिंग वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।